तो देख लिया आप लोगों ने, इनको मैंने यहीं पे रखा हुआ था गाड़ियों की गैरेज में, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इनकी केयर जो है वो किस तरह करनी चाहिए वो भी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर ली थी। इनको गाड़ियों के शेल्टर में रखा है। हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी सुबह का सवेरे टाइम है और मैं अभी उठा हूँ नींद से, इतना भी सवेरे नहीं है, तो सवा 8:30 बजे जुम्मे का दिन है आज और इतनी कोई बिजी शेड्यूल भी नहीं होगा। सवेरे उठा हूँ इसलिए क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा जो काम है घर के वो भी करनी है, और इसके अलावा अपने भी जो थोड़े ज़्यादा ऑफिस के काम है वो भी करनी है, क्योंकि जुम्मा है आज, फिर जुम्मे नमाज पर भी जाना है। तो फिर अभी उठा हूँ रात को, इतना लेट नहीं सोया था क्योंकि आई थिंक नॉर्मली जो है मैं वो 2 बजे 2:30 बजे सोता हूँ, लेकिन रात में 1 बजे ही सो गया था, 12:30-1 बजे। उसकी वजह ये थी कि कल का काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था और सारा दिन बाहर ही रहा तकरीबन, क्योंकि गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा है आजकल। चलिए घर में बंदा आ रहा है तो एसी वगैरह है तो फिर गुजारा अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे बाहर जा रहे ना चलें गाड़ी में तो फिर एडजस्ट हो जाता है क्योंकि एसी, क्योंकि फिर दूसरे कामों के लिए जब गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है तो फिर जो है ना वो काफ़ी हेडेक बन जाता है। तो आज की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इतनी कोई खास नहीं, बस एक दो घर के काम है वो करने हैं, और इसके अलावा नमाज का टाइम हो जाएगा फिर वापस गए, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि बाहर गर्मी भी बहुत तेज़ होगी, और गर्मी है तो फिर मेरे पास तो पेरेंट हैं घर पे, तो सबसे पहले मैं जो उनको जो है वो पानी वगैरह देना है क्योंकि गर्मी है और वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि घर में परिंदे होना भी लाजमी है, क्योंकि उनकी आवाज़ें जो होती हैं ना वो घर में काफ़ी माहौल बनाते रहते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर डेली रूटीन, और सबसे पहले एज यूजुअल बंदे को फ्रेश होना चाहिए, ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, फ्राइडे या तो फ्राइडे जो प्रेयर्स हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है, फिर उसके अलावा वीडियो शूट साथ ही जितनी हो सकेगी वो करेंगे, और फिर इसके अलावा जो है ना फिर एडिटिंग वगैरह ये वो जो सारा सीन होता है वो करेंगे। सो लेट्स मूव। फ्रेश होके रेडी हो गया हूँ और फ़िलहाल तो कहीं जाने का मूड नहीं है, घर पे ही हूँ, लेकिन जो पेरेंट्स हैं फ़िलहाल तो मैं उन्हीं को पानी दूंगा और फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा काम है और कहाँ पे जाना है, क्योंकि आज तो जुम्मा है, कोई इतनी खास एक्टिविटीज़ हैं नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया। सो लेट्स सी कि फर्दर हमारी जो है आज के दिन की क्या एक्टिविटीज़ होती है। मैं तो फुली रेडी हूँ अभी, और बाहर जाना है, जो थोड़े बहुत काम है वो भी करने हैं, और इसके अलावा आज तो जुम्मा है और अभी जो है ना वो जुम्मे नमाज को भी जाना है, तो फिर चलती हैं बाहर, और जो भी थोड़े बहुत काम है ना वो कर लेने चाहिए वक्त से पहले, क्योंकि अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी बाहर हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि अभी जो है ना वो जून का महीना चल रहा है और हीट स्ट्रोक जो है वो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मैं सबको सजेशन करूँगा क्योंकि जब बाहर जाना तो ये केप जो है वो अपने सर पे ज़रूरी रख लें, और हो सके तो कोई अगर आप लोगों के पास रुमाल हो तो वो भी सर पे रख लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ अभी तो इन गर्मियों में जो है ना वो ख़ुद को बचाना चाहिए गर्मियों से, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है वो काफ़ी डेंजरस होता है, और यहाँ पर तो मौसम भी ऐसा ही है हीट स्ट्रोक का कि अगर इंसान को हीट स्ट्रोक लग जाए ना तो फिर तो अल्लाह ही बचाए, तो इसलिए इन चीज़ों से कारण वो पहले से इंतज़ाम कर लेना चाहिए, ख़ास करके गर्मियों में। केप तो वैसे भी जो है ना वो सर पर रखनी चाहिए कि अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं या सर्दियों में जा रहे हैं, लेकिन इसको जो आप लोगों ने ना हैबिट बना लेनी चाहिए कि गर्मियों में जो है ना वो आप लोगों ने जो है वो अपनी केप जो। अच्छा जी, तो हम बाहर आ गए हैं गैरेज की साइड में, और ये रहे मेरे पेरेंट्स, सभी के घर में होते हैं ऐसे कलरफुल पेरेट्स से होते हैं, इनको पानी वगैरह शायद मुझसे पहले किसी ने दे दिया है,
क्योंकि देखिए ना इनको गर्मियों में जो है ना वो ठंडे पानी से नहलाना चाहिए और इनका जो पिंजरा है वो भी हमेशा गीला रखना चाहिए। देखिए ये ना पहले मैं अपने कज़न से लेके आया था, सिर्फ दो थे वो छोटे बच्चे। उसके बाद जो है ना फिर इन लोगों ने बच्चे किए थे, फिर उनसे जो है ये इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी बढ़ गई थी। पहले सिर्फ एक ही कलर में थे वो, आई थिंक ये जो येलो वाला है ना यही कलर था। फिर इनसे जो है ना वो, क्योंकि मैंने एक फिर मार्केट से भी जो है वो ख़रीद के इनको दिया था। और ये देखिए अभी ये ना किस तरह से जो है वो एक धागा लगा हुआ है उसको जो है वो इसी खा रहे हैं। एंड आई थिंक बच्चे तो अभी ये नहीं करेंगे क्योंकि ये गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों में ये स्पेशली नहीं करते। लेकिन ये देखें ना पानी पे ये लोग किस तरह जो है ना वो पानी पे बैठे हुए हैं, इनको पानी की सख्त ज़रूरत होती है। और जिस जिसके पास भी ये चीज़ें हैं ना छोटे छोटे पेड़, तो मैं उनको जो है वो यही सजेशन करता हूँ कि इनको या तो आप लोग किसी ऐसी जगह पे रखें जो कि शेल्टर, और आप देख सकते हैं तो ये मेरी गाड़ियों गैरेज का जो है ना वो शेल्टर है, मैंने इनको गैरेज में रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे तो इनको खुली हवा आती है काफ़ी, और इसके अलावा जो है ना ये इनको पानी वगैरह यहाँ पे लगाना आसान है। इनफेक्ट आप इनको अंदर रखेंगे कहीं तो फिर वो जो है ना वो काफ़ी मुश्किल चीज़ बन जाती है, इसलिए क्योंकि ये परिंदे हैं तो इनका जो है ना हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो देख लिया आप लोगों ने, इनको मैंने यहीं पे रखा हुआ था गाड़ियों की गैरेज में, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इनकी केयर जो है वो किस तरह करनी चाहिए वो भी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर ली थी। इनको गाड़ियों के शेल्टर में रखा है क्योंकि यहाँ पे एक तो धूप भी नहीं आती और फिर जो हवा होती है वो भी वेंटिलेशन में होती है वो ईजिली इनको का, क्योंकि अभी बाहर तो बहुत धूप है, मैं तो गैरेज में खड़ा हूँ लेकिन ये जो धूप आ रही ना ये डायरेक्ट जो है वो मेरे फेस पे हिट कर रही है। इसके अलावा हवा भी काफ़ी बहुत चल रही है आजकल, तभी आप गाड़ियों की हालत देखें, दोनों गाड़ियों की बिल्कुल ये जो है ना गंदी लगी पड़ी है, इन पे मिट्टी लगी हुई है क्योंकि हवा सारा दिन चलती है और ये ओपन गैरेज में खड़ी हुई हैं तो इनको जो है ना वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और इनकी सर्विस भी काफ़ी टाइम से नहीं कर रही क्योंकि गर्मियाँ हैं अभी और फिर बाहर जाने का दिल ही नहीं करता, इसलिए ना जो इनकी सर्विसेज वगैरह हैं वो मैं फ़िलहाल खुद नहीं करवा रहा क्योंकि इतना जो है ना वो एक तो बाहर जाने का ऐसे दिल भी नहीं करता और फिर ऊपर से गर्मी भी बाहर बहुत है। अगर सर्विस स्टेशन पे जाना हो तो वहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ होता है गर्मियों की वजह से, तो इसलिए मैं खुद जो है वो अभी इनको सर्विसेज भी कम करवा रहा हूँ। ज़्यादातर जो है वो ड्राइवर से जो है ना वो घर पे ही मैं इनसे इनको धुलवा लेता हूँ। तो अभी टाइम तकरीबन 1 बज रहा है और नमाज पर भी जाना है, तो इसलिए आज का व्लॉग जो वो यहीं पर एंड करते हैं और आपसे बातें होती रहेंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के साथ जो वो अपनी रूटीन और अपनी जो बातें हैं वो शेयर करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।